हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 4 चम्मच घी से जालीदार मलाई घेवर, जिसको हम मिक्सी में बनाएंगे और जिसके लिए हम किसी भी मोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिक्सी में जालीदार मलाई घेवर। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग जार, उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच घी, 2 आइस क्यूब्स, 2 लेमन ज़ेस्ट। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिए इसका टेक्सचर, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध। अब हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम लेंगे 1 कप मैदा, जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैदे को हमें एक साथ नहीं डालना है। अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा चिल्ड पानी। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें फिर से डालेंगे मैदा, ठंडा पानी डाल देंगे और फिर से ब्लेंड करेंगे। इसी तरह हम मैदे को थोड़ा थोड़ा डालकर ब्लेंड करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। अब हम सारा मैदा डाल देते हैं। पानी डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। और ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। और ठंडा पानी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे बैटर में। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारा घेवर का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। और ये देखिए इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। हमारा घेवर का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच बैटर डालेंगे। बैटर को हम 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे। तेल में झाग आने बंद हो जाए तब हम फिर से दोबारा बैटर डालेंगे।
इस तरह हम बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये देखिए हमारा घेवर हल्का हल्का सिकने लगा है। गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। अब हम स्पून की हेल्प से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे जिससे ऊपर का हिस्सा भी अच्छे से सिक जाए। इस तरह से हम तेल डालते जाएंगे। ये देखिए घेवर अब अच्छे से सिक चुका है, अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम घेवर को बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जालीदार घेवर बनके तैयार हुआ है। इसी तरह हम बाकी के घेवर भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक पैन। पैन में डालेंगे एक कप चीनी, आधा कप पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर चलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। एक तार बनने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे डेढ़ कप दूध। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप चीनी और आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। और लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे।
हमें इसे लगातार ही चलाते जाना है। लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए रबड़ी हमारी गाढ़ी होने लगी है, रबड़ी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखिए हमारा घेवर कितना अच्छा जालीदार बन के तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर चाशनी डाल देंगे। चाशनी को सभी जगह अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमारा जालीदार मलाई घेवर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।